हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी लौकी के पराठे की रेसिपी। फ्रेंड्स, आप एक बार मेरे कहने पर इसे बना के देखिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं। इसके लिए हम एक मीडियम आकार की लौकी लेके उसे छील लेंगे और ग्रेटर में मोटी वाली साइड से ग्रेट कर लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने 2 कटोरी आटा लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा इसे कर सकते हैं, मैं इस जस्ट एक मेज़र के लिए बता रही हूँ आपको। इसमें फ्रेंड्स हम अब 1/2 कटोरी बेसन मिलाएंगे और इसमें 1/2 चम्मच अजवाइन डाली है मैंने धोकर। ये देखिए, अब हमने ग्रेट करी हुई मोटी साइड से जो है वो ग्रेट की हुई लौकी इसमें मिलाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें 1/2 चम्मच हम हल्दी डालेंगे, स्वाद के अनुसार लाल मिर्च, नमक, यहाँ पे ये कस्तूरी मेथी डाली है फ्रेंड्स मैंने। यहाँ पर आप इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आपके बच्चे खाते हैं तो। अब इसे हम अच्छी तरह हाथों से पहले सारे मसाले को मिक्स करेंगे, पानी नहीं मिलाएंगे इसको अभी, सिर्फ हाथ से हम पूरे आटे में इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूथेंगे। इसे फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइट रखेंगे क्योंकि जो हमने इसमें लौकी डाली वो अपना पानी छोड़ेगी। इसके अब हम कुछ देर के लिए इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे, लगभग 15-20 मिनट। अब देखिए, 15-20 मिनट बाद फ्रेंड्स आटा हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इसमें से हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोइया तोड़ेंगे, जितना मोटा पतला जैसे आप बनाते हैं। तरफ तवा गरम करने हो रख दिया है फ्रेंड्स गैस पर। अब यहाँ पर हम फ्रेंड्स सब्जी के पराठे हम कई बार बनाते हैं तो हम उनको ऐसे ही बना देते हैं, लेकिन आप इसमें घी या तेल अंदर लगा के बनाइए, ये और ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। ऑयल लगा रही हूँ, आप घी भी लगा सकते हैं। मैं इसे तिकोनी शेप में बना रही हूँ, आप अपने इस मनचाही शेप में इसे बेल के बना सकते हैं। यहाँ पर इसमें ऑयल लगा रही हूँ, आप इसको घी से भी सेक सकते हैं, मक्खन से, जिससे भी आप खाते हैं अच्छा लगे सेक सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप अपने घर में भी इसे ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप भी इस तरीके से सब्जियों के पराठे बनाते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, ओके, बाय, थैंक यू।